नमस्कार, मैं हूं अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं एकदम लेटेस्ट खबरें, वो भी कम समय में। हिमाचल में घट गए हैं कोरोना के मामले, अस्पतालों में रूटीन ऑपरेशन के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने लगी है। 13 मई को जो संख्या 4,06,000 थी, वह अब 16,989 के आसपास रह गई है। इनमें से करीब 1,000 मरीज अस्पतालों में विचाराधीन हैं, जबकि करीब 85% से ज्यादा मरीज होम आइसोलेट हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 माह में कुल 1994 कोरोना संक्रमितों की मौत, आंकड़े ने बढ़ाई चिंता। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। मात्र 3 महीने के दौरान प्रदेश में 1994 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है, जबकि कोरोना की पहली लहर में 1 वर्ष के दौरान केवल 982 मौत हुई थी। पहली लहर के दौरान उपचार के लिए कोई विशेष प्रोटोकॉल नहीं था और न ही कुछ कोरोना को लेकर जानकारी। हिमाचल में कल से फिर पटरी पर लौटेगा सरकारी कामकाज, कार्यालय आएंगे 90,000 कर्मचारी, ये रहेंगे नियम। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से करीब 90,000 कर्मचारी कार्यालय आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही फिर से सरकारी कामकाज पटरी पर लौट जाएगा। 3.25 लाख कर्मचारियों को कोविड-19 से जुड़े नियमों की पालना करनी होगी। ये 30% क्षमता के साथ उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। रोहतांग में गिरे बर्फ के फाहे, कई जिलों में बारिश, प्रदेश में 5 दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम के अजब रंग देखने को मिले। प्रदेश में दोपहर तक चिलचिलाती धूप से लोगों के पसीने निकल गए, वहीं उसके बाद मंडी के जोगिंदरनगर, धर्मशाला, मनाली समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई। रोहतांग दर्रा बहाल, कारोबियों को पर्यटकों का इंतजार। समुद्र तल से 13,050 फीट ऊंचा विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा 4x4 और छोटे वाहनों के लिए भले ही बहाल हो गया हो, लेकिन कोरोना के चलते इस बार सैलानियों की आवाजाही नाम मात्री है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद पर्यटक मनाली का रुख करेंगे। मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नर्सों ने किया डांस। सी जुनेजा अस्पताल सूरजपुर पौंटा साहिब के कोविड वार्ड में नर्सिंग स्टाफ संक्रमितों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। पीपी किट पहनकर नर्सों के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हिमाचल में मास्क न पहनने पर 22 दिन में 11,000 चलान, लगाया 76,61,000 का जुर्माना। राहत भरी खबर, हिमाचल के कोविड अस्पतालों में 20-40% तक खाली हो गए हैं बेड। हिमाचल में कोरोना मामलों की रफ्तार कम होने के साथ अस्पतालों में राहत भरी खबर है। मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में भी 1-2 सप्ताह पूर्व पैक रहने वाले बेड अब 20-40% खाली हो गए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत तिब्बत सीमा पर समुद्रों से सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने वहां की गतिविधियों व सुरक्षा का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला किन्नौर मुख्यालय रिकांगपियो पहुंचे। पर्यटन नगरी मणिकरण में 9 किलोग्राम चरस समेत 2 गिरफ्तार, कोविड कर्फ्यू में भी तस्करी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में गिरा अपराधों का ग्राफ, महिला क्रूरता के मामलों में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में तुलनात्मक दृष्टि से थानों में दर्ज हुए कुल अपराधों में कमी आई है। 2020 के जनवरी से अप्रैल तक के आपराधिक आंकड़ों की अगर 2021 में इसी 4 महीने की अवधि की तुलना की जाए तो पता चलता है कि महिला क्रूरता के मामलों में भी गिरावट आई है। अब जहां चाहें वहां कर सकते हैं अपना घर शिफ्ट। मंडी में मकान को फोर लेन ने 120 फीट पीछे किया स्थापित। आमतौर पर जब लोग घर शिफ्ट करते हैं तो सामान ही लेकर जाते हैं, लेकिन अब अपना पूरा ही मकान आप शिफ्ट कर सकते हैं। मंडी के नगवाई में ऐसी ही टेक्निक से 1500 स्क्वायर मीटर में बने मकान को 120 फीट पीछे लाया जा रहा है। इस काम को कर रही कंपनी इसे पूरी तरह से सुरक्षित बता रही है। हिमाचल में कोविड की तीसरी लहर से निमटने की तैयारी, सभी सीएमओ व चिकित्सा अधीक्षकों को किया सतर्क। हिमाचल में कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए सभी मुख्य अस्पतालों में 4 शिशु रोग इकाइयों को मजबूत करने का निर्देश दे दिया गया है। जीएस बालिका होर्डिंग फाड़ने का मामला, मंडी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बालिका होर्डिंग फाड़ने वालों पर कानून का शिकंजा कस गया है। शहरी मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल सेन ने शुक्रवार को शहरी पुलिस चौकी मंडी में अज्ञात लोगों के विरुद्ध होर्डिंग फाड़ने की शिकायत दी है। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में जल्द स्थापित किया जाएगा ऑक्सीजन बैंक। उत्तर प्रदेश में भी 1 तारीख से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी राहत, खुलेंगे बाजार।
कोरोना वायरस संक्रमण में सेकेंड स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के कारण 1 मई से प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में 1 जून से आंशिक ढील दे दी जाएगी। चेतावनी, दिल्ली में और खतरनाक हो सकती है तीसरी लहर, रोज 45,000 नए मामले आने की आशंका। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात भले ही ठीक होते नजर आ रहे हों, लेकिन तीसरी लहर को लेकर IIT दिल्ली द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने एक बार फिर से सबकी चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर आज JP नड्डा सहित वरिष्ठ नेता करेंगे त्रिदेवों से संवाद। जापा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश अनुसार 30 मई को सेवा ही संगठन भाग 2 के तहत गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, ऐसे ही देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए घूमो जी भरके प्रेजेंट्स द हिंदी TV।